हेलो स्टूडेंट्स, आई एम रीता मिश्रा, वेलकम टू माय क्लास। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इसे शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। आज हमारा टॉपिक है, मैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का ले रही हूँ, हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरिन्स। वैसे तो बच्चों को ये बहुत डिफ़िकल्ट लगता है, लेकिन अगर आप इसे अच्छी तरह से समझ के करेंगे तो ये आपको बहुत ईजी लगेगा, ठीक है। तो हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरिन्स ये क्या है? हेलोजन डेरिवेटिव ऑफ हाइड्रोकार्बन, है ना। हाइड्रोकार्बन हेलोजन डेरिवेटिव है हाइड्रोकार्बन के। तब ये हेलोजन डेरिवेटिव क्या होता है? वैसे कंपाउंड्स हैं जो किससे फॉर्म्ड होता है कि किसी भी हाइड्रोकार्बन में से हाइड्रोजन एटम रिप्लेस्ड होकर के किसके थ्रू रिप्लेस्ड होता है? बाय हेलोजन एटम। तो उसी को हम क्या कहते हैं? हेलोजन डेरिवेटिव ऑफ हेलोजन डेरिवेटिव कंपाउंड्स। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैं एक एग्जाम्पल देती हूँ, जिसे है ये C2H6। ये क्या है? आपका हाइड्रोकार्बन है, ठीक है। इसको यदि हम करते हैं किसी X2 से, हेलोजन कंपाउंड से करवाते हैं, तो ये क्या हो जाएगा? C2H5X, ठीक है। तो ये क्या बन गया? ये आपका हाइड्रोकार्बन था। इस हाइड्रोकार्बन में से एक हाइड्रोजन क्या हो गया? रिप्लेस हो गया। उसकी जगह क्या आ गया? ये हेलोजन एटम आ गया। तो ये आपका क्या बन गया? हेलोजन डेरिवेटिव ऑफ हाइड्रोकार्बन, C2H5X, ठीक है। अब हम आते हैं ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ हाइड्रोकार्बन, इसको हम दो इसमें डिवाइड करते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ हाइड्रोकार्बन, है ना, इसको दो इसमें क्लासिफाई करेंगे। एक तो आपका कहलाता है एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन और दूसरा एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। एलिफेटिक एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन और दूसरा एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन, ठीक है। अब एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन को फिर हम क्लासिफाई करते हैं कि तीन इसमें डिवाइड होता है, ठीक है। फर्स्ट आपका आता है हेलो एल्केन, ठीक। सेकेंड वन आपका आता है हेलो एल्कीन, और थर्ड आपका आता है हेलो एल्काइन, है ना। इसमें क्या, ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ हाइड्रोकार्बन हमने इसको दो इसमें डिवाइड किया है, एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन एंड एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन को हम फिर क्लासिफाई करते हैं तो ये तीन इसमें डिवाइड होता है, हेलो एल्केन, हेलो एल्कीन एंड हेलो एल्काइन, ठीक है। तो इसमें तुम्हारा ये क्या है, हेलो एल्केन इट इज़ अ सिंगल बॉन्ड, है ना। इसमें सिंगल बॉन्ड रहता है, इसमें डबल बॉन्ड रहता है, और इसमें क्या रहता है? ट्रिपल बॉन्ड रहता है। अब हम सब पढ़ना हमको किसका? हेलो एल्केन को पढ़ना है। कम आते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ हेलो एल्केन। क्लासिफिकेशन ऑफ हेलो एल्केन, ठीक है। हेलो एल्केन को हमको कैसे क्लासिफाई करते हैं? तो इसको हम दो इसमें डिवाइड करते हैं हेलो एल्केन को। हेलो एल्केन्स को हम दो इसमें क्लासिफाई करेंगे। एक आपका कहलाता है मोनो हेलो एल्केन और दूसरा कहलाता है पॉली हेलो एल्केन, ठीक है। पॉली हेलो एल्केन को हम फिर तीन इसमें डिवाइड करते हैं, डाई ट्राई एंड टेट्रा हेलो एल्केन, है ना। पॉली हेलो एल्केन क्या कहलाएगा? डाई हेलो एल्केन, ठीक है, ट्राई हेलो एल्केन, और थर्ड वन इज
हेलो एल्केन है ना, हमने हाइड्रो हेलो एल्केन्स को दो इसमें क्लासिफाई किया, मोनो हेलो एल्केन और क्या हो जाएगा, मोनो हेलो एल्केन पॉली हेलो एल्केन, ठीक है। पॉली हेलो एल्केन को हमने दो इसमें डिवाइड किया, डाई हेलो एल्केन ट्राई हेलो एल्केन एंड टेट्रा हेलो एल्केन। फॉर एग्जांपल जैसे हम देखते हैं, जैसे मैं सिंपल सा एग्जांपल आपको बताती हूँ, ये सी एच फोर है, क्या है आपका, मीथेन है। मीथेन को हम किसी भी हैलोजन से हम करते हैं, जैसे ये मैंने हैलोजन इसको एक्स टू से कराया, इन अल्ट्रा वायलेट रेस इसमें करवाएंगे तो इसमें से एक हाइड्रोजन रिप्लेस होगा, जैसे मैंने आपको पहले बताया था, एक हाइड्रोजन रिप्लेस हो जाएगा, उसकी जगह क्या आ जाएगा आपका, हैलोजन एटम हो जाए आ जाएगा सी एच थ्री एक्स। उसके बाद फिर हम इसको एक्स टू से करते हैं, फिर इसमें से एक हाइड्रोजन एटम रिप्लेस हो जाएगा तो ये क्या हो जाएगा आपका CH2X2, ठीक है। फिर नेक्स्ट फिर से हम करेंगे तो एक्स टू, फिर आपका एक हाइड्रोजन एटम रिप्लेस हो जाएगा तो ये क्या हो जाएगा CHX3, और फिर इसको आप करते हो एक्स टू से तो फिर एक हाइड्रोजन एटम रिप्लेस हो जाएगा तो ये क्या हो जाएगा CH4। ये आप देख रहे हो कि ये एक सिंपल सा हाइड्रोकार्बन है, इसको हैलोजन से आपने करवाया तो ये क्या बन गया आपका क्या कहते हैं, एक हैलोजन एटम इसमें निकल गया, ठीक है। हाइड्रोजन एटम रिप्लेस किया हो गया, उसकी जगह क्या आ गया, हैलोजन एटम आ गया, ठीक है। उसी तरह से जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाते हैं तो यहाँ पर टेट्रा हेलो एल्केन ये बन जाता है, यानी हैलोजन एटम फोर हैं, इसमें एक भी हाइड्रोजन नहीं है क्योंकि इसको हैलोजन एटम ने उसको डिस्प्लेस कर दिया है। तो बेसिकली ये किस पर है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन पर, ठीक है। अब हम इसको और एक्स से कराएंगे तो ये नहीं कर सकते, क्यों, क्योंकि कार्बन की वैलेंसी क्या होती है, चार होती है, फोर वैलेंसी होती है, टेट्रावेलेंट होता है ये, इसलिए सिर्फ फोर हैलोजन एटम से ही ये कंबाइन कर सकता है, ठीक है। अब हमने पॉली हेलो एल्केन देख लिया कि इसी में डाई ट्राई एंड मोनो हेलो एल्केन की क्लासिफिकेशन में हम आते हैं, ठीक है। क्लासिफिकेशन ऑफ मोनो हेलो एल्केन, क्या आ जाएगा, क्लासिफिकेशन ऑफ मोनो हेलो एल्केन, क्लासिफिकेशन ऑफ मोनो हेलो एल्केन, ठीक है। क्लासिफिकेशन ऑफ मोनो हेलो एल्केन, इसको क्लासिफाई करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ कार्बन एटम, ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ कार्बन एटम ऑन द बेसिस ऑफ कार्बन एटम, इसको हम तीन इसमें डिवाइड करते हैं। फर्स्ट आपका क्या रहेगा, फर्स्ट क्या कहलाता है, प्राइमरी है ना, सेकेंड आपका क्या कहलाता है, सेकेंडरी, एंड थर्ड वन इज टर्शियरी, ठीक है। तो कार्बन एटम के बेसिस पर हम इसको तीन इसमें डिवाइड करते हैं, मोनो प्राइमरी सेकेंडरी एंड टर्शियरी। अब हम इसके एग्जांपल्स देखेंगे कि इसके क्या एग्जांपल्स है। तो सबसे फर्स्ट हम आते हैं प्राइमरी हेलो एल्केन में, ठीक है, प्राइमरी हेलो एल्केन, ठीक है। इसका एग्जांपल आपका जैसे मैंने लिया क्या, आर सी एच टू एक्स, ठीक, आर सी एच टू एक्स का आर की जगह क्या है आपका, ये इथाइल ग्रुप है, ठीक है। जैसे हम और ये क्या है आपका, एक्स क्या है आपका, हेलोजन है, ठीक। तो यहाँ पर आर की जगह आपका क्या आ जाएगा, जैसे हमने ये लिखा सी एच थ्री सी एच टू और एक्स की जगह हमने सी एल, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, क्लोरो इथेन है ना, या इसका आईयूपीएसी नाम हम क्या लिखेंगे, वन क्लोरो इथेन, और कॉमन नेम हो जाएगा इसका
ये सॉरी ये हो जाएगा कॉमन नेम हो जाएगा इसका इथाइल क्लोराइड। ठीक है, तो प्राइमरी हेलो एल्केन में एल्काइल ग्रुप एक है, आपको ये याद रखना है कि प्राइमरी में एल्काइल ग्रुप एक रहेगा। ठीक है, एल्काइल ग्रुप में CH3 CH2 ये आपका एल्काइल ग्रुप है, यहाँ पे आप कुछ भी आप रख सकते हो। ठीक, तो ये क्या हो जाएगा वन क्लोरोइथेन या ये हो जाएगा इथाइल क्लोराइड। सेकेंड आपका आता है सेकेंडरी, सेकेंडरी हेलो एल्केन। ठीक है, इसमें कितने एल्काइल ग्रुप रहेंगे दो। अब जैसे जैसे एल्काइल ग्रुप इंक्रीज होगा हाइड्रोजन एटम क्या होते जाएंगे कम होते जाएंगे। ये क्या हो जाएगा आपका आर आर सी एच एक्स। यहाँ हम देख रहे हैं फर्स्ट वाले में दो हाइड्रोजन एटम था, यहाँ पर एक हाइड्रोजन एटम हो गया है ना, और इसकी जगह क्या आ गया एक एल्काइल ग्रुप आ गया। अब इसकी जगह आप एक्स की जगह आप ClBrI आप जो चाहे वो रख सकते हो। तो इसको हम क्या लिखेंगे, जैसे CH3 R की जगह लिख दिया अपन ने CH3 CH3 CH, X की जगह आप Cl लिख दो Br लिख दो जो भी लिख दो। ठीक है, तो इसका क्या नाम हो जाएगा आइसो, तीन कार्बन एटम है तो आइसो प्रोपाइल क्लोराइड। ठीक है, ये हो जाएगा, ये सेकेंडरी हेलो एल्केन हो जाएगा। थर्ड वन आपका क्या है टर्शरी हेलो एल्केन, टर्शरी हेलो एल्केन। ठीक है, टर्शरी में आपका क्या एग्जांपल हो जाएगा, अब यहाँ पर हमारा अल्काइल ग्रुप तीन हो जाएंगे, मतलब एक एक बढ़ जाएगा तो एक हाइड्रोजन एटम कम हो जाएगा। तो ये आर 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 और ये क्या हो गया सी एक्स। अब इसके एक्स की जगह आर की जगह आप लिख दीजिए CH3 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 और ये C की जगह C, X की जगह आप BRI जो भी चाहें वो आप लिख सकते हैं, जैसे मैंने इसमें BR लिख दिया। तो ये क्या हो जाएगा, अब ये चार कार्बन एटम है तो ब्यूटाइल, इसको हम क्या लिखेंगे टर्शरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड है ना। तो आपने देखा मोनो एलो एल्केन को हम तीन ऑन द बेसिस ऑफ कार्बन एटम इसको तीन इसमें डिवाइड करते हैं प्राइमरी सेकेंडरी एंड टर्शरी। प्राइमरी हेलो एल्केन में सिंगल एल्काइल ग्रुप रहेगा आपका RCH2X, सेकेंडरी में एल्काइल ग्रुप आपका इंक्रीज हो जाएगा और क्या हो जाएगा हाइड्रोजन एटम आपके कम होते जाएंगे। ठीक है, जैसे जैसे एल्काइल ग्रुप को बढ़ता जाएगा हाइड्रोजन एटम क्या हो जाएंगे डिक्रीज होते जाएंगे। ठीक है, टर्शरी में आपके तीन एल्काइल ग्रुप हो गए तो यहाँ पे जो हाइड्रोजन एटम थे ये हट गया। क्यों ऐसा होता है, क्योंकि ये आपको हमेशा याद रखना है क्योंकि कार्बन की वैलेंसी क्या है फोर है। ठीक है, तो फोर वैलेंसी है तो इससे ज़्यादा वो और किसी से कंबाइंड नहीं कर सकता, तो इसका क्या नाम जाएगा टर्शरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड। ठीक है, ये आपको समझ में आ गया होगा। अब हम नेक्स्ट आते हैं कि हमारा नेक्स्ट टॉपिक है आइसोमेरेज। आइसोमेरेज क्या होता है, ठीक है, आइसोमेरेज किसको कहते हैं। आइसोमेरेज क्या है कि मॉलिकुलर फॉर्मूला सेम रहता है लेकिन स्ट्रक्चरल फॉर्मूला इसका डिफरेंट रहता है। मॉलिकुलर मॉलिकुलर फॉर्मूला सेम बट डिफरेंट स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। है ना, उसको हम क्या कहते हैं आइसो। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम रहते हैं बट स्ट्रक्चरल फॉर्मूला क्या रहता है डिफरेंट रहता है। तो आपके एल्काइल एल्काइल हैलाइड्स जो हैं ये आपके दो तरह का आइसोमेरिज शो करता है ना। एल्काइल हैलाइड शोज टू टाइप्स ऑफ आइसोमेरिज। ठीक है, एल्काइल हैलाइड दो तरह के आइसोमेरिज शो करते हैं। ठीक, अब इसमें क्या है कि कौन से दो तरह के आइसोमेरिज, सबसे फर्स्ट हम आते हैं पोजीशन आइसोमेरिज है ना। फर्स्ट क्या आएगा आपका पोजीशन आइसोमेरिज।
पोजीशन आइसोमेरिज्म में क्या है कि हमको हैलोजन एटम का पोजीशन चेंज करना है ना। पोजीशन आइसोमेरिज्म में हाइड्रोजन एटम का क्या हो जाएगा, पोजीशन चेंज हो जाएगा। तो जैसे मैं एक एग्जांपल देती हूँ, C4H9Cl, ठीक है, C4H9Cl का हमको पोजीशन आइसोमेरिज्म बनाना है। तो हम कार्बन चार है, पहले सिंगल चेन बना लीजिए, 1, 2, 3, ये चार कार्बन हमने कर दिया, ठीक है। अब इसमें तुम आपका क्या रह जाएगा, कितने हाइड्रोजन एटम है, तो ये आप देख लो, या तो इसका स्ट्रक्चर बनाओ, या आप ऐसे भी कर सकते हो, जैसे अगर मैं स्ट्रक्चर बनाती हूँ तो ये H हाइड्रोजन एटम इधर लिख दिया, ये Cl। नहीं समझ में आए तो आप स्ट्रक्चर बना करके भी लिख सकते हो, है ना। तो आपको ये देखना है कि हाइड्रोजन हमारे 9 ही होने चाहिए, तो 3, 5, 7, 8, 9 Cl। और आप इसको इस तरह से भी लिख सकते हो, CH3CH2CH2CH2Cl, ठीक है। अब हम यहाँ पे क्या देख रहे हैं, हमारा हैलोजन कितने नंबर पे है, फर्स्ट कार्बन एटम पे है, है ना। आपको काउंटिंग कहाँ से शुरू करनी है, जहाँ पर आपका हैलोजन एटम है, यहाँ है, तो यहाँ से स्टार्ट करेंगे, 1, 2, 3, 4। तो ये 4 के लिए क्या आता है, ब्यूटेन, और ये क्या है, क्लोरीन है, इसका क्या हो जाएगा, 1-chloro-butane, है ना, ये इसका हो जाएगा। और सेकेंड इसमें हमको, इसमें और कितने हम शो कर सकते हैं, हमको इसका पोजीशन चेंज करना है, किसका, हैलोजन एटम का पोजीशन करना, चेंज करना है। तो हम सेकेंड इसमें लिख सकते हैं CH3CH2, ठीक है, CH3CH2। उसके बाद क्या हो जाएगा, ये हम सेकेंड नंबर पे हम इसको लिख दे रख देते हैं, तो CH, इधर हमने Cl इसमें बना दिया, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, CH3, कितने कार्बन हैं आपके, 3, 5, 7, 8, 9, यहाँ पे 3, 5, 6, 9 हो गया। अब यहाँ पे इसका क्या नाम हो जाएगा, ये सेकेंड नंबर कार्बन पे है, तो इसका क्या नाम हो जाएगा, 2-chloro, कितने हैं, 4 हैं, तो 2-chloro-butane। हमारी काउंटिंग जहाँ से, अगर आप इस तरफ से काउंट करेंगे तो ये गलत हो जाएगा, क्यों, क्योंकि यहाँ पर ये क्या है, थर्ड नंबर पे आता है, तो जहाँ से ये हैलोजन ग्रुप हमको पास पड़ता है, हम काउंटिंग क्या करेंगे, वहीं से स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं, 1, 2, 3, 4, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, 2-chloro-butane, है ना। तो इस तरह से आप पोजिशन, आप और भी एग्जांपल लेकर के आप कर सकते हैं, जैसे C5H11Cl, आप जी कितना भी पोजिशन आइसोमेरिज्म आप बना सकते हो, ठीक है। तो इस तरह से पोजिशन आइसोमेरिज्म में हमको इसको दो तरह के, आप सोचो कि हमने इधर बना लिया तो इस कार्बन से कर देंगे, तो 3-chloro-butane, तो इस तरह कार्बन अगर यहाँ पे हैलोजन आप करते हो तो आपकी काउंटिंग यहाँ से स्टार्ट हो जाएगी, तो यानी ये क्या हो गया, सेम ही हो गया, ठीक है। अब उसके बाद हम आते हैं, नेक्स्ट है आपका सेम यही चीज़ है, पोजीशन आइसोमेरिज्म के बाद चेन आइसोमेरिज्म। इसका एक और आइसोमेरिज्म बनता है, वो क्या है आपका, चेन आइसोमेरिज्म, ठीक है। सेकेंड है आपका चेन आइसोमेरिज्म, ठीक। चेन आइसोमेरिज्म में क्या होगा, जैसे चेन आइसोमेरिज्म में भी मैं एग्जांपल ले सकती हूँ कि इसमें क्या करना है, पहले सिंपल चेन बनाना है, फिर इसका चेन जो है वो क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, उसके चेन को हमको चेंज कर देना है। तो फॉर एग्जांपल जैसे मैं ले लेती हूँ, किसका एग्जांपल, C5H11 Cl, ठीक है, है ना, C5H11 Cl, है ना। तो अब इसका आप करोगे तो आप पहले सिंपल सा चेन बना लो, आपको अपने आप समझ में आएगा, आ जाएगा CH3 CH2 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 ये Cl। अब हमने क्या देखा, 5 कार्बन है, तो 1, 2, 3, 4, 5, और ये कितना हाइड्रोजन 11 है, तो 3, 5, 7, 9, 11, है
है ना, और ये हैलोजन, तो पहले नंबर पे ये हैलोजन जुड़ गया। अब हमको ये इसमें पोजीशन में हमको इसका पोजीशन चेंज कर रहे थे, लेकिन इसमें हमको इसका पोजीशन चेंज नहीं करना है, किसका, हैलोजन का पोजीशन चेंज नहीं करना, हमको ये हाइड्रोकार्बन का जो चेन है इसको हमको चेंज करना है, ठीक है। अब सेकेंड इसमें तो इसका नाम क्या हो जाएगा, पहले नंबर पर है तो 1 क्लोरो, ठीक है, कितने कार्बन एटम है, 1 2 3 4 5, तो 5 के लिए क्या आता है, पेंटेन, तो 1 क्लोरो पेंटेन, ठीक है। सेकेंड आपका क्या हो जाएगा, हमको इसको ये याद रखोगे, चेन आइसोमर्स में हैलोजन का पोजीशन चेंज नहीं होगा, है ना, तो ये हो जाएगा CH3 CH2 CH2, सर यहाँ पे CH कर दो, CH3 नहीं, इधर मैं एक और कर देती, CH3 CH2 CH2, है ना, CH3 CH, इधर आ जाएगा आपका CH2 CL, और यहाँ पे आप सिंगल H रखो, ये H हटा दो, दो यहाँ पे आ जाएगा आपका CH3, ठीक है। तो क्या हो गया, कितने का हाइड्रोजन है, 11, तो 3 5 6, है ना, ये गलती से यहाँ मैंने लिख दिया था, इसको हटा दो, 5 6 9 11, है ना, हाइड्रोजन 11 हो गए। अब हमने क्या देखा, हमने इसको चेंज नहीं किया, हमने किसको चेंज किया है, सिर्फ चेन को चेंज किया। अब इसका नाम क्या हो जाएगा, अब यहाँ से है तो आप यहाँ से 1 2 3 4, ठीक है, तो और ये कितने नंबर पे, 1 नंबर पे है, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, 1 क्लोरो, ठीक है, 2 नंबर पे एल्काइल ग्रुप है आपका, तो 2 मिथाइल, है ना, 4 है तो क्या हो जाएगा, ब्यूटेन। अब ये आपको पता ही होगा, आपने पढ़ा होगा कि इसमें अगर आपके एक से ज़्यादा ग्रुप है तो हम कैसे चलते हैं, अल्फ़ाबेट से चलते हैं, तो आपका क्लोरो पहले आता है, तो इसलिए हमने पहले सी पहले आता है, इसलिए 1 क्लोरो, एम बाद में आता है, तो इसलिए 2 मिथाइल, और ये 4 कार्बन के लिए क्या आ जाएगा, ब्यूटेन, तो क्या नाम हो जाएगा इसका, 1 क्लोरो 2 मिथाइल ब्यूटेन। आई होप आप लोग को ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा, अगर आपको ये वीडियो पसंद है तो प्लीज़ इसको लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, और अपने कुछ भी क्वेरीज हो वो कमेंट बॉक्स में लिखेंगे। ओके, थैंक यू।